कानून अहमद पंसोटा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद पंसोटा साहब, आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? कानूनी तौर पर अगर बात की जाए, किसी डॉक्टर का अपने मरीज को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना किसी तौर पर भी हिरासत करने के जुमरे में आता है? मैं जी बिल्कुल फरजाना बारी साहिबा के साथ एग्री करता हूँ कि पहली तो बात यह है कि इसको जिस तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है ऑन टीवी बाय शर्मीन और उबैद, वो ये लग रहा है कि जैसे ये खुदा ना खासा सेक्सुअल हरासमेंट के जिम्मे में आता है। तो वो तो जो कानून के अंदर डेफिनेशन मौजूद है उसके मुताबिक ये हरासमेंट या सेक्सुअल हरासमेंट तो कहीं से नहीं बनती। दूसरा, इसका देखते हैं कि अगर इसके अलावा किसी चीज में इसके जिम्मे में लाना हो तो वो हमारे नजदीक है जी पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016, जिसको हम पीका बोलते हैं। उसका जो रेलिवेंट सेक्शन इसके लिए रेलिवेंट है वो सेक्शन 27 है, जिसको साइबर स्टॉकिंग बोलते हैं। लेकिन उसके लिए भी जो क्लॉज रेलिवेंट है उसका, उसके अंदर एक शर्त मौजूद है कि आप रिपीटेडली अगर ये चीज करते हैं तो तब आप साइबर स्टॉकिंग के जुमरे में आते हैं। तो मुझे तो ये दोनों कवानीन के जुमरे में बात आती भी नहीं नजर आती। ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना जो है वो ऐसे मुनासिब नहीं है एक डॉक्टर का पेशेंट। यानी कि अहमद पंसोटा साहब, ये मसला हरगिज इस नौयत का नहीं था जिस तरह से इसे मंजरे आम पर लाया गया और इसके बाद से डॉक्टर को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ गया। बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ कि इस मसला इस लेवल का, या बजाहिर जो हमें इंफॉर्मेशन मौजूद है उसके मुताबिक तो इस लेवल का नहीं लगता। लेकिन चूंकि उसमें शर्मीन उबैद साहिबा की सिस्टर थी और एक बड़ी मशहूर हस्तियां थी, उनकी बहन का मसला था, तो इस वजह से मसले को हाइप भी बहुत मिल गई। मैं ज्यादा तौर पर समझता हूँ कि वो कोई इतना अच्छा प्रेसिडेंट भी सेट नहीं कर रही फॉर अदर्स टू फॉलो। मैं बिल्कुल, हम तो सेक्सुअल हरासमेंट और हरासमेंट के केसेस जो है उनको खुद डील भी करते रहे हैं और उनको प्रमोट भी करते हैं बात को किसके खिलाफ बोलना चाहिए। लेकिन अगर इस तरह चीजों के ऊपर एक्ट करना शुरू कर दिया हर आदमी ने तो ये थोड़ा सा क्योटिक हो जाएगा। Exactly. मैं वही बात अपनी रिपीट करूंगा कि हमें चूंकि जितने इशूज या मुहरकत के पता है उसके मुताबिक हम बोल रहे हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर साहब की हिस्ट्री हो या कोई इस तरह की आपस में कॉन्वर्सेशन भी हो, इन दैट इवेंट जो है फिर ये सीरियस इशू।